नमस्कार, आप देख रही हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। जनपद हापुड़ में हुआ शूटिंग रेंज का शुभारंभ। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के मोदी नगर रोड स्थित जसरूप नगर के पास आर्यन गेटवे शूटिंग रेंज का शुभारंभ हुआ। जो छात्र स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि यहाँ जो छात्र शूटिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट एनवायरमेंट और बेहतर प्रोफेशनल कोच के नेतृत्व और उपकरणों के माध्यम से युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है, इसमें विभिन्न राज्यों के पुलिस व अन्य विभागों में खेल कोच से अलग वैकेंसी होती है, इसलिए आजकल शूटिंग के क्षेत्र में युवाओं का ध्यान ज़्यादा आकर्षित है। आर्यन गेटवे शूटिंग रेंज में इम्पोर्टेड वेपन के माध्यम से छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल ये जिले का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो निशानेबाजी में छात्र छात्राओं को तैयारी कराता है। जिले लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल और नेशनल तक की तैयारियाँ युवाओं को कराई जाती हैं। तो देर किस बात की है, यदि आप भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना नाम या जिले का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें आर्यन गेटवे शूटिंग रेंज, मोदी नगर रोड, जसरूप नगर, हापुड़। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम विक्रांत है, मैं एक शूटिंग कोच हूँ। हमने मार्च 2022 में यहाँ पे शूटिंग की शुरुआत की थी, 10 मीटर एयर राइफल एंड एयर पिस्टल। यहाँ पे सब हम शूटिंग सिखाते हैं। इम्पोर्टेड वेपन है हमारे पास, जैसे कि जर्मनी से जो हमारे यहाँ पे आती है पिस्टल है, राइफल है, इम्पोर्टेड, जो सब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, जो बच्चे नहीं सेल कर पाते हैं। और सब बच्चों के लिए एक फैसिलिटी दी गई है, कोई गरीब बच्चा होता है बिलोंग नहीं कर पाता, वो चीज़ सीख नहीं पाता, तो उसको भी सिखाने के लिए सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ है हमारे पास। जैसे हमने मोदी नगर रोड पर जसरूप नगर में ये शूटिंग की शुरुआत की थी मार्च में, तो हमें नहीं था कि यहाँ पे बच्चे आ पाएंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे यहाँ पे बच्चों के अंदर है वो चीज़ कि बच्चा करना चाहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती, लेकिन हमने यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करी है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। प्लस में इसमें हर डिफेंस के अंदर एक स्पेशल कोटा होता है शूटिंग का। हर डिफेंस में जैसे रेलवे हो आपका, एयरफोर्स, नेवी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हर चीज़ में एक अलग स्पोर्ट्स कोटा होता है, हर चीज़ में एक अलग फैसिलिटी मिलती है आपको, और डायरेक्ट प्रमोशन भी होता है और डायरेक्ट जॉब भी लगती है अगर आप नेशनल में मेडल लेके आते हो। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है अभी हमारे पास, ये मान लीजिए एक साल में कम से कम 15 से 20 बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एयर राइफल एयर पिस्टल दोनों के बच्चे हैं। धन्यवाद आपका।